जेनेलिया डिसूजा। दोस्तों जेनेलिया डिसूजा का तो आप सब जानते ही होंगे, ये एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है जिन्होंने कई सारी लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है और ये बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख की वाइफ हैं। इन्होंने बॉलीवुड में जाने तू जाने ना, तेरे नाल लव हो गया जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। तो इस वीडियो में जेनेलिया डिसूजा की लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप जेनेलिया डिसूजा के फैन हैं या आपको इनकी मूवी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। जेनेलिया का जन्म 5 अगस्त 1987 को मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से 33 साल की हैं। जेनेलिया ने अपनी स्कूल की पढ़ाई अपोस्टोलिक कार्मेल हाई स्कूल बांद्रा मुंबई से की और इसके बाद इन्होंने कॉलेज की पढ़ाई एसटी एंड्रयूज कॉलेज बांद्रा मुंबई से की। और बात करें इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है बैचलर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज। जेनेलिया क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती है और इनके फादर एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम करते थे और इनकी मदर मैनेजिंग डायरेक्टर थी फर्मा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की, बट इनकी माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि ये जेनेलिया के करियर में हेल्प करना चाहती थी। दोस्तों जेनेलिया को फर्स्ट मॉडलिंग असाइनमेंट 15 साल की उम्र में ही मिल गया था जो कि एक पार्कर पैन का एड था जिसमें इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया और फिर इसके बाद जेनेलिया को अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही पहली फिल्म मिल गई। और वहीं मैं आपको बता दूं, जेनेलिया एक स्टेट लेवल की एथलीट और स्प्रिंटर है और जेनेलिया साथ ही साथ एक नेशनल लेवल की फुटबॉल प्लेयर भी हैं। अब बात करते हैं जेनेलिया डिसूजा की फिल्म करियर की। तो दोस्तों इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू 2003 में किया फिल्म तुझे मेरी कसम से, जिसमें इनके साथ इनके हस्बैंड रितेश देशमुख थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही ताबड़तोड़ कलेक्शन किया। दोस्तों तुझे मेरी कसम के रिलीज के बाद ही इन्हें तमिल डायरेक्टर एस शंकर ने तमिल फिल्म बॉयज के लिए सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों जेनेलिया इस फिल्म के लिए 300 लड़की में से सिलेक्ट हुई थी और फिर दिसंबर 2003 में इन्होंने तेलुगु में डेब्यू किया फिल्म सत्यम से। और दोस्तों ये उन एक्ट्रेस में से एक है जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत में एक साल में 3 लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है और इसके बाद 2004 में ये दिखी फिल्म बॉलीवुड मस्ती में और 2005 में लगातार इन्होंने 5 फिल्मों में काम किया जिनमें से एक तमिल फिल्म थी और वहीं 4 तेलुगु फिल्म थी। और फिर इन्होंने 2007 में कन्नड़ में डेब्यू किया फिल्म सत्या इन लव से। और बात करें इनके मलयालम डेब्यू की, तो इन्होंने 2011 में मलयालम डेब्यू किया फिल्म उरूमी से और ऐसे ही इन्होंने तमिल तेलुगु कन्नड़ बॉलीवुड और मलयालम लगभग ज़्यादातर लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है और जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम हैं मेरे बाप पहले आप, धी, रेडी, जाने तू या जाने ना, लाइफ पार्टनर, फोर्स, तेरे नाल लव हो गया, जय हो और फोर्स टू। दोस्तों अब ये फिल्मों में कम ही दिखती है, लास्ट टाइम ये 2020 में आई फिल्म इट्स माय लाइफ में दिखी जिसमें इन्होंने मुस्कान का किरदार निभाया और इस फिल्म में इनके साथ हरमन बावेजा और नाना पाटेकर थे। वैसे ये ज़्यादातर अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना जेनेलिया डिसूजा आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको जेनेलिया डिसूजा की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है नील डिसूजा और इनकी मदर का नाम है जेनेट डिसूजा और इनका एक ब्रदर भी है जिनका नाम है निकल डिसूजा और इनके हस्बैंड है रितेश देशमुख जिनसे इन्होंने 2012 में शादी की और इनके दो बेटे हैं जिनका नाम है रियान देशमुख और दूसरे बेटे का नाम है राहिल देशमुख। बात करें इनके हाउस के बारे में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जेनेलिया डिसूजा अपने हस्बैंड रितेश देशमुख के साथ मुंबई महाराष्ट्र में रहती हैं, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास कार है BMW 730 LD जिसकी कीमत है 1,38,00,000 रुपए और दूसरी कार इनके पास है मर्सिडीज बेंज W221 S-Class जिसकी कीमत है 1,42,00,000 रुपए और तीसरी कार इनके पास है होंडा CRV जिसकी कीमत है दोस्तों 30,00,000 रुपए। और बात करें इनके इनकम के बारे में, तो दोस्तों ये एक फिल्म करने के लिए लेती है लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए और वहीं ये एक ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए लेती है लगभग 1 करोड़ रुपए। अब बात करते हैं इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है 42 करोड़ रुपए। तो ये थी जेनेलिया डिसूजा की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप जेनेलिया डिसूजा के फैन हैं या आपको रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की जोड़ी अच्छी लगती है तो इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लें।